मेरे दिल के खून से रंगा है। अभी तो दिल दिल तो इतना कमजोर थोड़ी है तुम्हारा। हाँ ये बैंड पोजीशन, इसे बैंड हो जा। हाँ बैंड हो जा। अरे ये हाँ पुशअप वाली, पुशअप वाली पोजीशन। हिप ऊपर, हिप ऊपर, हिप ऊपर। हाँ बैंड, हाँ बैंड, हिप ऊपर, हिप ऊपर, हिप ऊपर। हम हमारी फौज में ऐसे ट्रेनिंग देते हैं, तीन पीरियड चलता है। मैं बता रहा हूँ, तीन पीरियड ऐसे ही चलता है। जब समझ लो एक जवान तीन पीरियड ऐसे पीटी करता है, एक पीरियड 40 मिनट का होता है, वो कैसे जो है एक घंटा 20 मिनट ऐसे हार्ड पीटी करते हैं, तो आप ऐसे ही दिल्ली पुलिस में जो है सोल्जर नहीं बन सकते। तो और एक कहावत है, ग्राउंड में पसीना बहाओगे तो युद्ध में खून बचाओगे। हाँ बैंड बैंड, हाँ एक अप, हाँ दो अप, अप, हाँ तीन अप, हाँ चार अप, हाँ पांच अप। हाँ खड़ा जा, अभी हाथ झाड़ने वाली ड्रिल, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं झाड़ेगा। हाँ तीन ही बार, चौथी बार ताली बज रही है, देख ले। फौज में कोई भी काम होता है ड्रिल से होता है, दोबारा देखना एक बार। यदि आप लंबी रनिंग भी पंजे पर दौड़ोगे तो जल्दी थक जाओगे, बात समझ में आ रहा है? तो छोटा कदम कदम लेना है, चेस्ट के सामने दबाना है, और जो है लैंडिंग लेते समय दोनों हाथों को खींचना ऊपर की तरफ, और टेकअप करते समय दोनों पैरों को मिला के टेकअप करना है। ये जैसे पक्षी होता ना, पक्षी जब उठता है तो वो जमीन पे अपने पैरों को ऐसे क्यों मारता है? हवा के दबाव को उठाने में सहायक होता है। उसी प्रकार से हमारे जो हाथ हैं, ये भी चाहे आप रनिंग करो, चाहे आप लॉन्ग जंप करो, चाहे हाई जंप करो, ये पक्षी के पंख की तरह हमारे को जो है उठाने में और भागने में सहायक होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो हाथों की स्विंग लेना है लंबी, जब आप टेकअप लेते हो हाथ की स्विंग लेना, बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है, और टेकअप करते समय पैरों को मिलाओगे तो आप आगे गिरोगे। कभी भी याद रखना, किसी भी चीज को आप थ्रो करते हैं 45 डिग्री के एंगल पे, जितनी भी 45 के डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे सबसे ज्यादा दूर गिरेगी। और इसके उदाहरण है अपने भारत में, कौन है जो नीरज चोपड़ा है, जो भाला फेंकते हैं ना, भाला फेंक का यही है, किसी भी चीज को आप थ्रो करते हो तो उसको 45 डिग्री के एंगल पर फेंकोगे तो सबसे ज्यादा दूर गिरेगी। तो अब आप जब दौड़ोगे तो दौड़ते समय, और दिल्ली पुलिस के अंदर में आप जो है ये देने के लिए जाओगे, हम जब ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग में वेपन्स के साथ 9 फीट डिच करवाते हैं। जैसे सर को पता है BOC, बैटल ऑप्टिकल ऑफ असॉल्ट कोर्स, JDPT, ये सब तमाम प्रकार की जो ट्रेनिंग हम देते हैं वो भाई हैं, इनको सबको पता है। वो 9 फुट हमें किसके साथ कूदना पड़ता है? वेपन के साथ कूदना पड़ता है। अभी आपको 12.5 फुट किसके साथ कूद रहे हो? सिर्फ विदाउट वेपन, यानी अपनी PT ड्रेस में कूद रहे हो। ये इसीलिए कूदा जाता है कि तो कल आप बेसिक ट्रेनिंग जब करो तो उस बेसिक ट्रेनिंग में उस वेपन्स के साथ आप कैसे उस बाधा को पार कर सकते हो। वो 12 से 9 की हो जाता है, उस समय आप भी स्केल में रहते हो, आपका पोच पिट्ठू इंकलेट, आपके DM सूज, आपका वेपन्स, ये सब जो उसके अंदर में रहेगा। तो आप इस चीज को मान के चलो कि 12 फुट जो आप कूद रहे हो तो फर्स्ट चांस में ही दिल्ली पुलिस में आप PT ये लॉन्ग जंप करते हो तो आप फर्स्ट चांस में जो है पार करने की कोशिश करना, और मान के चलना कि बच्चे छटते हैं इसके अंदर में। आप अपनी हैबिट्स को ऐसे बना लो कि मैं एक ही बार में पार करूंगा। तीन चीज हमेशा जो है आप याद रख लेना,
आपका रनिंग छोटा लेना है, चेस्ट के नीचे पैरों को दबा के दौड़ना है, टेकअप लेते समय जैसे पक्षी पंख मारता है ऐसे हाथों को ऊपर खींचना है, लैंडिंग करते समय दोनों पैरों को मिलाना है, रनिंग को काटना नहीं है और आगे देखना है। अब बहुत सारे बच्चे फाउल क्यों होते हैं, जब दौड़ते हैं तो यहां से जब आप दौड़ोगे तो दौड़ते समय आप जो आपका जो टेकअप है ना, टेकअप जहां से आपको उठना है उसको नहीं देखना, आपको लैंडिंग से भी आगे देखना है, जहां पे आपको लैंड करना है। ये आपका लैंडिंग पहले से ही 12 फुट पे आपकी लाइन लगा रखी है, 12.5 फुट पे, आपको इससे भी आगे, जैसे आपने वो टाटा खड़ी है जिस पे अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल लिख रखा है, उस वहां पे उससे टाटा से आगे देखना है, इसको रनिंग काटते समय नहीं देखना, समझ में आ गया? अरे बात क्लियर है? छोटा रनिंग लेना है, चेस्ट के नीचे पैरों को दबाना है। अभी इसके लिए हाँ उधर से लाइन बन सिंगल लाइन, ये सभी उधर सिंगल लाइन, यहाँ इससे पीछे पीछे सिंगल लाइन हाँ इधर आ जाओ, सभी कूद रहा है इधर, ये जेब में से पॉकेट से हाथ निकाल दो, चलो हाँ ये चलिए हाँ हाँ ये सामने देख गुड बढ़िया हाँ ये शाबाश हाँ ये हाँ सामने देख हाँ ये गुड शाबाश हाँ ये सामने देख गुड भाई हाँ ये ए ऊपर उठ ए थम ये सीधा मत गिर ऊपर उठ हाँ पैरों खेत हाँ ये हाँ रुक ले सभी इधर क्लोज यहाँ जाओ उधर देख उसको चालू करो, जिसका नंबर है वो चलते रहो। कौन है जिसका ट्राई नंबर किसका है? अरे इस बैच मैं अभिनव ड्राइविंग स्कूल से सभी मेरे युवा साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों अभिनव ड्राइविंग स्कूल पूर्णतः भारत सरकार से मान्यता प्राप्त और राजस्थान सरकार के अधीन चलने वाला एक ये गवर्नमेंट ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है, जिसके अंदर हम ड्राइवरों की भर्ती का प्रशिक्षण दे रहे हैं और ये प्रशिक्षण पिछले 10 साल से लगातार हम दे रहे हैं। देश के कोने कोने से हमारे पास स्टूडेंट एक ही उम्मीद लेके आते हैं कि हम जो है ड्राइवरी टेस्ट क्वालिफाई करें। उसके लिए जो है हमारी टीम दिन रात कड़ी मेहनत करके उन अभ्यर्थियों के सपने पूरे करते हैं। उसका यही नतीजा है कि पिछले 10 साल में हमने 6000 प्लस सलेक्शन देने में कामयाब ये ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है, जो आज पूरे देश में ड्राइवर फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। अभी दिल्ली पुलिस ड्राइवर के हमारे पास बैच चल रहे हैं, उसके अभ्यर्थी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। आपका क्या नाम है बड़े? मेरा नाम जितेंद्र सिंह नरुका है, मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। अलवर राजस्थान, नरुका आप राजपूत हैं? जी सर। तो आप कितने दिन हो गए? मेरा 7 दिन है यहाँ। अलवर राजस्थान जी सर। कौन सा काम है आपका? अलवर, प्रॉपर अलवर सिटी से। प्रॉपर अलवर सिटी से हो आप? आपने आपको कैसे पता चला अभिनव के बारे में? मैंने सर वीडियो में देखा था, वीडियो में यूट्यूब से देखा। जी सर। तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कि यूट्यूब में कुछ और देखा रहा है, ऐसे यहाँ कुछ और मिला है, उससे बढ़के मिला या कम मिला? नहीं सर, बढ़के मिला, बाकी काफी अच्छा था मतलब यहाँ पे, और ड्राइविंग अच्छे से सिखा रहे। मतलब आप आए उस समय कितनी चलानी आती थी, अभी कितना? गाड़ी तो मैं पहले चलाता था लेकिन ऑप्टिकल वगैरह ये मेरे क्लियर नहीं थे। बाकी यहाँ पहले कौन कौन सी गाड़ी चलाती? गाड़ी तो मैंने सारी चला रखी है। सारी चला रखी थी? आप ड्राइवर हो तो जो आप रोड पे चलाते हो और ये चलाते हो, इनमें भिन्नता क्या है? उनमें सर जो रोड पे चलाते हैं अपन सीधे सीधे तो वो जजमेंट नहीं होता, और सामने बस गाड़ी देख के अपन निकाल लेते हैं। बाकी जो ऑप्टिकल में जो चाहिए ना वो यहाँ पे आके मिल सकता है, वैसे मिल नहीं सकता ये। जी सर। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? राजीव सर, राजीव कुमार। राजीव, आपका कुछ वेट कम हुआ? नहीं, वेट तो अभी तुला नहीं है ना सर। तुला नहीं है, मतलब नहाए कितने दिन हो गए? कल नहाए थे। कल नहाए थे, अभी 2-4 दिन और लगेंगे, टाइम फिर टाइम मिलेगा नहीं। कहाँ से आए आप? नोएडा से सर, जेवर से। नोएडा? जेवर से। जेवर से नोएडा से कौन सी भर्ती के लिए? दिल्ली पुलिस के लिए। कितने दिन हो गए?
सातवां दिन है। सात दिन नोएडा से आप नोएडा से कैसे कैसे आए रास्ता? यूट्यूब से आए सर, नोएडा से आए थे हम यहाँ से, नोएडा से परी चौक से बैठे 37 के लिए, 37 से मेट्रो से धौलाकुआ से सीधा धौलाकुआ से। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, आराम से पहुँच। हाँ, कोई दिक्कत। अब रात को नींद आ रही है अच्छी? हाँ, रात को नींद आ रही है। शाबाश, आपका क्या नाम? दीपक शर्मा सर। दीपक, आप कहाँ से? रोहतक सर। रोहतक, हरियाणा। रोहतक हरियाणा। हरियाणा, कितने दिन हो गए आप? सात दिन हो गए। सात दिन में कौन कौन सी गाड़ी चलाई सर? बलेरो, टाटा 407 और बस और एस मॉडल ट्रक। एस मॉडल ट्रक, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बढ़िया चल रही सर। आपका अनुभव बताओ, आपको यहाँ सीखा उसके बारे में, ट्रेनर्स के बारे में क्या बताना सर? बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं सब, और पहले मुझे बिल्कुल भी चलानी नहीं आती थी, लेकिन अब काफ़ी अच्छा चला रहे हम गाड़ी। काफ़ी अच्छा चला रहे हो। दिन में क्या शेड्यूल है यहाँ पर गाड़ी चलाने? सुबह 9 बजे गाड़ी मिलती है, 9 से 1 बजे तक, और फिर 2 से शाम को 5:30 बजे तक। 5:30 से 6 बजे? हाँ जी। जो मतलब 5:30 बजे नंबर आ जाता है, 6 बजे तक जाते रहते हैं। तो खूब चलाने के लिए मिलती है या कम मिलती है? नहीं, खूब मिल जाती है। खूब मिल जाती है। थक जाते हो? हाँ बिल्कुल थक जाते हैं, मतलब गाड़ी चला चला। अब दिल में तो नहीं है? आप एक बात बताओ, घर से चले थे तो आपको लग रहा था कि हम क्या 30 दिन में 15 दिन में सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, ऐसा लग रहा था? घर से चले जब तो ऐसा लग रहा था 15 दिन में सीख नहीं पाएंगे, लेकिन अभी 7 दिन में ऐसा लग रहा है बस काफ़ी सीख चुके हैं। काफ़ी सीख चुके, मतलब 10 दिन ही काफ़ी है? हाँ 10 दिन काफ़ी। 15 ज़्यादा है क्या? नहीं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 7 दिन में लगभग सब ऑप्टिकल क्लियर हो चुके। क्लियर हो गया, अभी एडवांस ट्रेनिंग की तरह चल रहा है। जी चलो, शाबाश। बहुत। आपका क्या नाम? नरेंद्र जी। नरेंद्र, आप कहाँ से? हरियाणा भिवानी डिस्ट्रिक्ट से जी। भिवानी। आपको कितने दिन हो गए नरेंद्र? 7 दिन हो गए सर। 7 दिन हो गए। 7 दिन में क्या क्या गाड़ी सीख ली? एस मॉडल चला लिया जी, बस चला ली, टाटा 407, जिप्सी, बलेरो, चले जाओ नंबर, सारी गाड़ी चला ली। यहाँ पे हैं जो यहाँ पे हैं वो सारी गाड़ी चला ली, सभी ऑप्टिकल में चला ली। आपको कितना कॉन्फिडेंस है? काफ़ी अच्छा है जी, पहले नाम से। अभी जो पहले चलाता जी घबराता था जी, अभी घबराहट नहीं होती, जैसे जैसे चलाता हूँ अच्छा होता जाता रहा। हाँ सर, कॉन्फिडेंस आ रहा? अभी बहुत अच्छा आ रहा जी। कितना अच्छा आ रहा है? आप यदि कल दिल्ली पुलिस ड्राइवर का टेस्ट हो जाए, पास कर लोगे? हाँ बिल्कुल कर लूँगा जी। चलो शाबाश, एक बार जोर से तालियां बजाओ। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ट्रेनिंग जो होती है, यानी ट्रेनिंग को यदि हम सादा भाषा में यदि हिंदी में बोलते हैं तो उसको हम प्रशिक्षण बोलते हैं। प्रशिक्षण का मतलब है आप कोई भी काम करो, उस काम में आपको इतनी महारत हासिल हो जाए कि आप जो है यकीन से बोल सको कि ये काम मैं कर सकता हूँ, यही प्रशिक्षण है। और मैं अब भी बता रहा हूँ, अभिनव ड्राइविंग स्कूल में जब बच्चा यहाँ पर पैर रखता है, जाने तक हम उसको इतना माहिर बना देता है हमारा स्टाफ कि वो बच्चा कभी फेल हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि हमारे पास देश के कोने कोने से स्टूडेंट आते हैं, 10 साल से हम इसी चीज़ की तैयारी करवा रहे हैं। सबसे बड़ा देश का यूट्यूब परिवार है ड्राइवर की भर्ती का। आपका क्या नाम है? सुशील बाकर। सुशील बाकर, बाकर जाट हो आप? हाँ जी। कहाँ से आए? चूरू से। चूरू से आए, क्योंकि हमारे टाइटल वगैरह ऐसे याद हो गए, बच्चे आते रहते हैं। तो बाकर आप कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। कितना गाड़ी सीख लिया? गाड़ी सर लगभग सीख लिया सर, लगभग मतलब सारी सीख। घर से चला था तब क्या लगा? घर से चला था, ये सोच रहा था सर 15 दिन में कैसे सीख पाएंगे। और अभी क्या सीख? अभी ये देख रहे हैं 15 दिन पूरे कैसे होंगे या 7 दिन पूरे कैसे होंगे। मतलब पूरे मतलब ये है कि मतलब तंग आ गए चला के कि भाई मतलब रेस्ट देंगे नहीं, कि हॉस्टल में जाओगे तो डंडे मारेंगे। इधर 8 बजे आ जाते हैं, शाम को 6 बजे तक यहीं रहते हैं, मतलब यही आधा पौन घंटा वो रोटी खाने के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद फिर आ जाते हैं। मतलब अभी 15 दिन पूरे कैसे हो? पूरे कैसे हो, ये टेंशन हो रही है। मतलब आप यहाँ पर आए हो, मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है सर, एकदम पूरा हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सारे ऑप्टिकल क्लियर हो रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस है सर। तो जो आपको जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर के आपके जो साथी जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या बताना चाहते हैं? भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आए और बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं सर, और रहने सहने का सब बढ़िया है सर, सिस्टम खाने पीने बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम? रोबी यादव। रोबी यादव उदास कैसे? उदास नहीं हूँ सर, खुश हूँ। सकली ऐसी है या फिर आने से पहले ठीक थी? नहीं मजा आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल मजा आ रहा है। कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है जी। टाइम मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल फुल टाइम मिल रहा है सर। किस चीज का? चलाने के लिए सर। रेस्ट रात को मिल रहा है? हाँ रात को। यानी रात मतलब दिन मेरा, रात आपकी जी? मतलब दिन में आपको ग्राउंड और रात में? आपको कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी अमरोहा जिला। अमरोहा के आम बहुत प्रसिद्ध होते हैं। अमरोहा के आम प्रसिद्ध हैं। आम की कितने प्रकार की किस्म होती है? कोई 2-4 किस्म का नाम? सहरी, चौसा, लंगड़ा। ये लंगड़ा चौसा में क्या अंतर है? सर मीठा होता है। मीठा कौन सा होता है? सबसे बड़ी आम कौन सा मीठा होता है? सबसे लंगड़ा।
लंगड़ा आपके बगीचा है जी? बगीचा तो नहीं है। तो फिर आम कहाँ से खाते जी? ले लेते हैं पास से। चलो शाबाश, खुश रहो। आपको यूपी से यहाँ चल के आपको ऐसा तो नहीं लगा यार मैं राजस्थान जा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर, घर पर परिवार की तरह लग रहा। परिवार की तरह जी, जी मजा आ रहा जी, मजा आ रहा। शाबाश, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम? सचिन यादव, अलवर से। अलवर से सचिन, कैसे मिला सीखने? बढ़िया सर, एक नंबर। अलवर में कहाँ से? मुंडावर। मुंडावर तहसील। तो आप यहाँ आए हो सीखने के लिए, उससे पहले कितना सीखा था? अब कितना आ रहा? बस पिकअप चलाई थी मैंने पहले तो, और अभी अब सारी चला ली, टाटा 407 एस मॉडल, बस बलैरो, जिप्सी, एसटीएफ, सारी चला ली। आपका क्या नाम है? अमित सर। बाल ऐसे हो रखे तेरे? पहले ऐसे थे या आने के बाद? तो रेत में हो गए जी, पहले ऐसे थे। मतलब रेत कौन सी रेत? बालू रेत। बालू रेत यानी जो यहाँ दिन भर यहाँ रहते हैं जी। चलो शाबाश, तो बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं 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 सर, जिस काम के लिए आ रहे हो मकसद पूरा हो रहा है नहीं? जब बिल्कुल सर, पूरा हो रहा है जो बिल्कुल सर। अंतरात्मा से बोल रहे हो? ये सर। तो जो अंतरात्मा से बोल रहे हो, यहाँ का जो ट्रेनिंग स्टाफ है जो आपको ट्रेनिंग देता है उसके बारे में क्या बताना सर? सर बहुत बढ़िया, जैसे कि कोई डाउट आता ना बाइक करते वक्त ये बत्ती का या कुछ और, वे क्लियर बताते हैं कि ऐसे करो, आपकी गलती यहाँ पे आ रही, स्टेप बाय स्टेप बता रहे सर बिल्कुल। तो आपने जो पहले बेसिक सीखा था वहाँ पे, बेसिक में आपको कैसे सिखाया? बेसिक में सर जैसे कि हमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ से ऐसे कटाई होगी भाई, ये है कि शीशे को प्रॉपर देखो, नाड़ ये गर्दन बाहर नहीं निकालनी, सभी स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से सिखाया गया। वहाँ से कितने ट्रेनरों के अंदर से आप खांचों से निकलते हुए यहाँ तक आए? सबसे पहले लीलू सर, फिर करमवीर सर, और अभिषेक सर, और अनिल सर, और एक आध सर, एक प्रदीप सर, एक विक्रम सर। नहीं, फिर बाद में तो इनमें सबसे बढ़िया उस्ताद कौन है? मामला अनिल सर लागे सर। अनिल सर लागे, और अभिषेक सर। अभिषेक सर, चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। आपको सबसे बढ़िया? मेरे को लीलू सर। चलो आपको कौन? लीलू सर। आपको? लीलू सर। आपको? अभिषेक सर। आपको? अनिल और अभिषेक सर। आपको? ट्रेनिंग के मामले में लीलू सर ही थे। चलो, आप गुरुजी सारे ठीक थे मतलब? चलो मैं बता देता हूँ, हमारी यहाँ पर टीम है, जब भी बच्चे आते हैं उनको पहले बेसिक सिखाते हैं, फिर बेसिक में स्टेप होता है, पहले सिटिंग, स्टेपिंग और ग्रिपिंग। स्टेपिंग, सिटिंग, ग्रिपिंग में आपको पहले लाइट मोटर व्हीकल एल साइड में, फिर एल का एडवांस है जो है जेड है, जेड का एडवांस एच है, हमारे एजेटिक स्टेप वाइज सिखाते हैं। तो जो मेरे युवा साथी सीखना चाहते हैं उनका मैं अभिनव ड्राइविंग स्कूल के इस परिवार में, ड्राइवर फैक्ट्री में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। सभी मेरे युवा साथियों को जय हिंद, जय भारत।